नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। कोरोना वायरस के महामारी के महासंकट को रोकने के लिए हर एहतियात कदम उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन 2 जो कि 3 मई तक चलेगा। ऐसे में जब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोटा में फंसे जो विद्यार्थी हैं हज़ारों की संख्या में, उन्हें कैसे बिहार लाया जाएगा। तेजस्वी यादव साफ साफ ये कहते हैं, खास लोगों के प्रति समर्पित बिहार सरकार अगर कोटा में फंसे आम विद्यार्थियों को लाने में अक्षम, अशक्त और असमर्थ है तो हमें विशेष अनुमति प्रदान करें। हम उन 6500 छात्रों को बिहार लेकर आएंगे। संकट की इस घड़ी में बिहार के भविष्य, उन निर्दोष नादान बच्चों को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें अनुमति दी जाए, ऐसा कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। इस पर ही बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार और भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम कोटा से बच्चों को ले आएंगे, कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नेता राजनीति के कोप भवन में है, कहाँ है किसी को नहीं मालूम। तो लॉकडाउन के अनुपालन की जो नियमावली बनी, उस नियमावली में आवश्यक सेवाओं को भी चिन्हित किया गया और हर राज्य में लिंक दिया गया है कि इस लिंक के माध्यम से आप अपना आवेदन प्रपत्र भरिए। उस आवेदन में गाड़ी का नंबर, गाड़ी का ड्राइवर का डिटेल, साथ ही साथ आपके साथ सहयोगी कौन है, आपका नाम क्या है, पिता का नाम क्या, डिटेल है उसको, तो परफॉर्मा भरिए, प्रपत्र भरिए। जहाँ है, अगर देश के अंदर हैं तो उस राज्य की सरकार आपको अनुमति देगी, अगर विदेश में है तो आप जाने भगवान जाने। तेजस्वी यादव बिहार सरकार की सक्षमता क्षमता के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे खुद बड़े प्रोफेसर हों और छात्रों की कॉपी चेक कर रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके लोग या तो जेल में हैं या फिर बेल पर हैं, उनसे बिहार सरकार को कोई सर्टिफिकेट चाहिए क्या? और तेजस्वी यादव खुद बिहार की इस आपदा की घड़ी में जब कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जा रही है, दिल्ली में है, उन्होंने मनोज झा स्कूल ऑफ ट्विटर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है और नया दिव्य राजनीतिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना, जब इजाजत मांगी गई सरकार से कि वह कोटा में फंसे हुए छात्रों को बिहार लाना चाहते हैं, तो ऐसे में सत्ता पक्ष को राजनीति की बू लग गई। उन्हें लगा शायद कि नेता प्रतिपक्ष इस पर राजनीति करेंगे, आगे उन्हें हानि हो सकती है। ऐसे में साफ साफ अब पलटवार किया जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव देश में है या विदेशों में है। अगर देश में है तो ये प्रक्रिया है जिसके तहत वो फॉर्म भरकर जा सकते हैं, ड्राइवर का नाम बताएंगे, उनके साथ कौन जाएगा, उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री, आपने सुन लिया। वहीं बीजेपी तो साफ साफ पलटवार कर रही है कि तेजस्वी यादव वहाँ जाकर कर क्या लेंगे, कोचिंग संस्थान थोड़ी चलाना है उन्हें। तो साफ साफ आपने सुना है बच्चों को लाने के बारे में बिहार सरकार क्या सोच रही है, क्या उनका आगे का प्लान है, इस पर कुछ विचार नहीं किया जा रहा है। कल बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने साफ साफ ये कहा था कि हम एक साथ उन बच्चों को नहीं ला सकते हैं, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है वो टूटेगा और कोरोना का खतरा बढ़ेगा। तो क्या वो बच्चे वहीं रहेंगे, अभी भी सवाल बरकरार है। आप लाइव सिटीज देखते रहें, राजनीति खुद ब खुद हो रही है, कहने की बात है ही नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।